Welcome back to channel in another unboxing video. So as written title, आप लोगों को तो पता है इस box में क्या है. Without wasting time, unboxing start कर देता हूँ. So फिर भी बता देता हूँ, इसके अंदर है BTS3 Bluetooth Intercom headset. BTS2 का version मैं already use कर रहा हूँ. उसका unboxing और installation video मैंने अपने channel पे already share कर दिया है. अभी तक आपने देखा नहीं होगा तो उसकी लिंक यहाँ पे आई बटन में यहाँ पे आ जाएगी, आप देख लीजिए. बिकॉज ही उसके बाद का अपग्रेडेड वर्जन है. लास्ट 2.5 ईयर्स आई एम यूजिंग द सेम B2S2 ब्लूटूथ हेडसेट इंटरकॉम. परफेक्टली चल रहा है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं. उसका स्टैंड बाय टाइम भी बहुत अच्छा है और इवन यूज़ में भी मैंने मैक्स टू मैक्स 10 आवर्स की राइड की थी. बैटरी परफेक्ट रहती है, बैटरी ड्रेन का कोई इशू नहीं. मेन चीज़ है इसका प्राइस, वो अपने बजट में आ जाता है. सो इसीलिए मैंने सोचा अदर देन गोइंग फॉर सेना एंड ऑल दिस थिंग हाईफाई ब्लूटूथ हेडसेट जाने से अच्छा अपना बजट वाला जो ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ डिवाइस उसका एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हुआ है. तो व्हाई नॉट, लेट्स ऑर्डर इट. सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. सो ये है उसका बॉक्स, इसके अंदर कुछ है, कुछ नहीं है. कीपिंग इट द साइड. सो ये है उसका बॉक्स और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है B2S3. सो ये है मेरा B2S2 का बॉक्स जो अभी तक बहुत अच्छी कंडीशन में, क्योंकि बॉक्स तो एज इट इज जैसे था वैसे ही रख दिया, उसके अंदर का सामान भी वैसे ही है. और ये है B2S3. सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग. तो आप देख सकते हो ये सील पैक यूनिट है, यूज़ किया हुआ या रिटर्न किया हुआ नहीं है, जस्ट लाइक अमेजोन. सो बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट आई हैव ऑर्डर दिस फ्रॉम AliExpress.com. वहाँ पे 11/11 का सेल चालू था तो ये बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिला. इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन बाय इट. सो लेट्स ओपन द बॉक्स. क्या है इसके अंदर? बॉक्स का स्टाइल तो सेम ही है जैसे B2X2 का था. यह है मेन यूनिट जो बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू B2S2. उसका डिज़ाइन भी सेम था, सेम शेप था, सेम ये GPS और माइक है. ये कनेक्शन है उसका, यहाँ पे लाइट्स है, ये पावर बटन है, ये मेनू बटन है, ये वॉल्यूम प्लस माइनस, एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू इन रीचिंग टू नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग, ये आप कर सकते हो. सो देखते हैं और क्या क्या दिया है मैं बॉक्स में. आई थिंक ये सेम मटेरियल है जो B2X2 में दिया था. लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइज. हेलमेट माउंट है और ये जो केबल है विच यू कैन यूज़ फॉर GPS मैप. सो जिसका एक कनेक्शन जाएगा यहाँ पे इसके अंदर और जो दूसरा कनेक्शन है वो जाएगा आपके GPS में. यहाँ पे इसके अंदर LN की दी है और हेलमेट के अंदर माउंट करने के लिए स्टिकर विथ वेलक्रो दिया हुआ है. ये एक लॉक सिस्टम है, पहले तो ये LN की बाजू में कर लेता हूँ. और ये एक लॉक सिस्टम है, अगर आपको आपके हेलमेट के ऊपर स्टिकर से स्टिक नहीं करना है तो आपको जिस इसको ऐसे प्रेस करके ये ओपन हो जाता है. ये ऐसे बहुत टाइट है, थोड़ा उसका लूज कर सकते हो आप स्क्रू ड्राइवर से. ये दो स्क्रू लूज करके इसका प्ले अप एडजस्ट कर सकते हो और जो हेलमेट का जो साइड एज है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. इसका इंस्टॉलेशन एंड ऑल दिस थिंग्स आई एम नॉट गोइंग टू शो यू बिकॉज इट इज़ द सेम पैकेज, जस्ट अपग्रेडेड वन. और है बॉक्स में ये मैनुअल. सो इस बार मैनुअल बहुत जाड़ा है, डिफरेंट लैंग्वेज में इसकी डिटेल्स दी हुई है. तो आई एम नॉट गोइंग टू रीड इट बिकॉज आई नो ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस. और लास्ट में अभी है माइक और इंटरकॉम सिस्टम. सो ये है चार्जिंग कनेक्शन. सो इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो अलग है, कुल दिखने में लिखता है कि माइक्रो USB वर्जन है मगर ये माइक्रो USB वर्जन नहीं है. तो ये टोटल अलग कनेक्शन है. सो आप देख सकते हो ये कनेक्टर टोटली अलग है, नॉट जस्ट लाइक अ माइक्रो USB थिंग, चार्जर फॉर USB. और ये लास्ट थिंग उसको भी आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ. सो ये दो है स्पीकर्स जो आपके हेलमेट के अंदर कनेक्ट होंगे. ये जो है माइक जो आपके हेलमेट के आगे की तरफ आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा. जो B2S2 का जो माइक और स्पीकर मैंने कनेक्ट किया मेरे SM के हेलमेट में, और ये कनेक्शन आपको गोल घूम के ब्लूटूथ हेडसेट में कनेक्ट हो जाता है. सो ये रख देता हूँ बाजू में. तो आपको दिखा दे करंट यूज़ कर रहा हूँ मैं B2S2. तो आपको B2S2 में क्या आया था वो दिखा देता हूँ. सेम पैकेज आप देख सकते हो जैसे आपने B2S3 का देखा. और ये है जो मेन यूनिट. सो ये ऐसे है दोनों, आप देख सकते हो शेप एक जैसा ही है, जिस इसको थोड़ा स्मॉल कर दिया है. एंड कनेक्शन टाइप
देखिए सेम, वन इज़ फॉर चार्जिंग, वन इज़ फॉर GPS। यहाँ पे वेलको स्टिकर है जो मैंने चिपका दिया है फॉर स्टिकिंग इट टू माय हेलमेट। दिस साइड प्लस माइनस यहाँ पे नीचे था जो यहाँ पे दिया गया है प्लस माइनस, और ये पावर ऑन और पावर ऑफ यूनिट। तो इसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप एज अ इंटरकॉम यूनिट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप दो राइडर हो और दोनों जन सेम यूनिट यूज़ कर रहे हो तो आप इसको यूज़ एज अ इंटरकॉम कर सकते हो। ये मैंने टेस्ट किया हुआ है B2S2 वर्जन। 1 किलोमीटर तक आपके कलीग राइडर के साथ आप बात कर सकते हो। ओनली अगर स्ट्रेट टर्न्स हो गए या माउंटेन्स बीच में आता होगा तो कनेक्टिविटी थोड़ी वीक हो जाती है, अदर देन इट इज़ परफेक्ट। और वाइल स्पीकिंग ऑन इंटरकॉम आप आपके फ़ोन को भी ब्लूटूथ कनेक्ट कर रख सकते हो, ऐसे नहीं आपको फ़ोन का ब्लूटूथ डिसकनेक्ट करना पड़ता है फॉर वाइल कनेक्टिंग टू योर कलीग इंटरकॉम। सो बहुत अच्छी चीज़ है। सो आपको दिखा देता हूँ इसका इंस्टॉलेशन ऑन हेलमेट। सो ये जो करंट B2S2 का सेटअप है जो मैंने SM के हेलमेट पे कनेक्ट किया है, ये जो वेलक्रो है और ये यूनिट है जो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और ये जो वायर आई हुई है फॉर कनेक्शन ऑफ ब्लूटूथ इंटरकॉम हेडसेट वो मैं ऐसे घुमा के उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। आपको माइक सेटअप दिखा देता हूँ। ये है अपना गिट 2 का माइक, और जो दोनों माइक है गिट 2 के एक्शन कैमरे के और B2S2 के यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो। ये B2S2 का और ये है गिट 3 का माइक जिसकी वायर यहाँ पे आ चुकी है। सो सेम कंसेप्ट किया है मैंने। सो इसका एक स्पीकर यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड का स्पीकर, इसके अंदर भी वेलक्रो आता है। आप इसको रिमूव करके उसका प्ले एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके ईयर में लग रहा है तो आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। वेलक्रो सिस्टम है, सेम यहाँ पे है। सो ये जो वायर जो आई है जो यहाँ से आके एक स्पीकर यहाँ पे कनेक्टेड है और दूसरा स्पीकर के लिए वायर ऐसे घुमा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, ये वेरी इजी प्रोसेस। और जो माइक्रोफोन है जो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे पैरेलल में यहाँ पे अंडर द चीन छुपा देते हैं हम यहाँ पे, तो देखने से पता भी नहीं चलता यहाँ पे दो माइक्स लगे हुए हैं। सो ऐसे सेटअप है, वेरी बेसिक। अभी मैं क्या करूँगा, इस यूनिट के ऊपर वेलको स्टिकर कनेक्ट करके ट्राई करूँगा कि ये सेम यूनिट से ये वर्क करता है या नहीं। मेरे ख्याल से काम तो करना चाहिए बिकॉज सेम सेटअप है, सेम एक माइक्रोफोन है, दो स्पीकर से वायर कनेक्टिविटी है और कनेक्शन भी सेम ही है, तो ये वर्क करेगा। सो इसको मैं अभी एक हफ्ते तक यूज़ करूँगा और उसके बाद उसका प्रॉपर रिव्यू इसी वीडियो में कंटिन्यू कर दूंगा। एक बार आपको इस यूनिट ऑन करके दिखा देता हूँ, ऐसी लाइट्स आती है। आई डोंट नो इसके अंदर कुछ बैटरी चार्ज है या नहीं है, कनेक्ट कर दिया, दबा के रखा है और ये स्टार्ट हो चुका है। सो इसकी जो लाइट है वो तो बहुत पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू S2 को ऑन करने के लिए। यहाँ पे ये S2 स्टार्ट हो गया, सेम फंक्शनलिटी है और लाइट्स दिखने बहुत अच्छी लग रही है, जस्ट लाइक अ मिनी सेना डिवाइस। सो फ्रेंड्स इसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे दे चुके हैं। फर्स्ट पिक्चर है फॉर 2 राइडर्स कनेक्टिविटी। इसके अंदर FM रेडियो है, ये टोटली वाटरप्रूफ है। सो एट ए टाइम 3 राइडर्स इंटरकॉम कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। ये अप टू स्पीड 120 किलोमीटर तक चलता है विदाउट एनी इश्यूज एंड इट इज़ वाटर रेजिस्टेंट। एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो चार्जिंग अडाप्टर रहता है वो मिसिंग है, सिर्फ USB केबल दी गई है फॉर चार्जिंग। सो ये मेरा B2S2 का बॉक्स, आपको दिखा देता हूँ कैसे रहता है चार्जिंग अडाप्टर, कैसे रहता है USB। दिस थिंग इज मिसिंग इन B2S3 बॉक्स। सो अभी तक की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगा After 1 week of uses of this B2S3. So hi friends, once again welcome back in this video. So after using the B2S3 for 2 weeks, I've finally giving the review of this product. So I must say this product is very good as compared to B2S2. So B2S2 or B2S3 mein call quality is overall very good while riding. Even the speakers output for while listening the songs, it was also good. So overall comparison mein I will must say this is the very good upgrade if you are using the B2S2 or even you are not using any Bluetooth headset. I must say just go for this. So this will be the very budgetary B2S3 Bluetooth headset. If you want to update you can go with it. So I want to rectify one point here.
यहाँ पे आप लोग MP3 प्लेयर कनेक्ट कर सकते हो, इवन GPS यूनिट कर सकते हो एज इट इज द सेम 3.55 mm कनेक्टर। इसके साथ जो वायर दी गई है वो टोटली अलग है, यहाँ पे अलग कनेक्टर है और दूसरा जो पोर्शन है उस वायर का वो 3.5 mm कनेक्टर है। सो दैट मीन वी कैन यूज अवर GPS यूनिट, अवर मोबाइल फोन और अवर एनी ऑफ द MP3 प्लेयर। सो दैट इज वेरी गुड विच आई वॉज मिसिंग इन B2S2। सो वन कॉन्स आई वॉन्ट टू मैंशन हियर, दिस ब्लूटूथ हेडसेट डजंट कम विद द पावर अडाप्टर, इट्स ओनली कम्स विद द चार्जिंग केबल। सो वी हैव टू यूज अवर मोबाइल पावर अडाप्टर। B2S2 के साथ आता था बट आई डोंट नो वाई दे हैव टू गिवन इट्स विद द B2S3। सो ओनली वन कॉन्स आई वॉन्ट टू मैंशन हियर, अदरवाइज दिस डिवाइस इज कूल। So now it's time to close this video. As always, if you guys like this video, don't forget to hit that like button, share with your friend. And ha, if you haven't subscribed to my channel, then yeah, please do subscribe. So this is Sagar signing out. Bye bye.